हॉस्पिटल के सामने खड़े हो के फूफू कर रहा है बीवी बीमार है अंदर है क्या हुआ भाभी को वही औरतों वाली बीमारी और तो खर्चा इतना सिगरेट तो तो... कितने की दस रुपए की दस रुपए की और जेब में कितनी पड़ी एक और है मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं क्या देख मौत है इस पे मौत और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी <laughs> हसमत दो सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है उससे बचा सकता है और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है यानी कि मौत के पैसे से दो जिंदगी खरीद सकता है तू एक अपनी और एक अपनी बीवी की सोच हस गिरी ये पीने में नहीं है ये देने में कम टू माय यूट्यूब चैनल मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज मैं आपको मूव होल्ड लेट ड्राइव मूवी के बारे में बताती हूँ मूव होल्ड लेट ड्राइव मूव होल्ड लेट डॉक्टर के रूप में सैली व्रत दो तो की एक अति अति यथार्थवादी नव नोयर रहस्यमय फिल्म है जिसे डेविड लिच द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और इसमें ना ओमी वर्ट्स लोरा हेरिंग जस्टिन थेराक्स, ए एन मिलर मार्क्स पेले ग्रीनो और रॉबर्ट फोस्टर ने अभिनय किया है यह है बिट्टी एल्म्स वर्ट वाटस नाम की एक महत्वाकांक्षी अभिनेत्री की कहानी बताती हैं जो हाल ही में लॉस एंजियस में आई थी जो एक कार दुर्घटना से उबरने वाली एक भूलने वाली महिला हेरिंग से मिलती है और इससे उससे दोस्ती करती कहानी कई अन्य लघु चित्रों का अनुसरण करती हैं और पात्र जिनमें एक हॉलीवुड फिल्म निर्देशक थेरॉक्स भी शामिल है निर्देशक डेविड लिच द्वारा लिखित डेविड लिच द्वारा निर्मित मैरी स्वी स्वीनी एलन सरदे नील एडल स्टीन माइकल पोलेयर टॉनी क्रटज अभिनित जस्टिन थेरॉक्स ना वत्स लोरा एलेना हेरिंग्स एन मिलर रॉबर्ट फोस्टर, छायाकान पीटर ड्रेमिंग द्वारा संपादित मेरी स्वीनी संगीत दिया ए एजेलो मेटी उत्पादन कंपनियां लेस फिल्म्स एलन सरदे एममती प्रोडक्ट्स बब्बो इक ले स्टूडियो के नाल फिक्चर्स फैक्ट्री द्वारा वितरित यूनिवर्सल फिक्चर्स संयुक्त राज्य अमेरिका बीएससी फिल्म फ्रांस रिलीज करने की तारीख 16 मई 2001 हज़ार 12 क्रांस अक्टूबर 2001 अमेरिका 21 नवंबर 2001 फ्रांस कार्यकारी समय 146 मिनट देशों संयुक्त राज्य फ्रांस भाषा अंग्रेजी बजट पंद्रह मिलियन बॉक्स ऑफिस बीस पॉइंट एक मिलियन अमरीकी फ्रांसी सह उत्पादन की कल्पना मूल रूप से एक टेलीविजन पार्लट के रूप में की गई थी और फिल्म का एक बड़ा हिस्सा 1999 में, में लिच की योजना के साथ शूट किया गया था ताकि उसे संभावित श्रृंखला के लिए खुला रखा जा सके लिच के कट को खोद देखने के बाद हालांकि टेलीविजन अधिकारियों ने इसे अस्वीकार कर दिया लिच ने तब परियोजना को एक अंत प्रदान किया जिससे यह एक फीचर फिल्म बन गई अर्थ पार्लेट अर्ध सुविधा परिणाम लिच की विशिष्ट यथार्थवादी शैली के साथ फिल्म की घटनाओं के सामान्य अर्थ को व्याख्या के लिए खुला छोड़ दिया है लिच ने कथा के लिए अपने इरादों का स्पष्टीकरण देने से इनकार कर दिया है दर्शकों आलोचकों और कलाकारों के सदस्यों को यह अनुमान लगाने के लिए छोड़ दिया है कि क्या होता है उन्होंने फिल्म को सपनों के शहर में एक प्रेम कहानी टैग लाइन दी एक मनोवैज्ञानिक थ्रेयर के रूप में वर्गीकृत मुहू लेड ड्राइव ने 2001 के कान फिल्म समारोह में लिच को फ्रीकस डे लामाई से एन सीन सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार अर्जित किया जो द मैन हुक वाज नाट देयर के लिए जो अलकोअन के साथ पुरस्कार साझा किया लिच ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकन भी अर्जित किया फिल्म कि ने हॉलीवुड प्रोफाइल को काफी बढ़ावा दिया और अनुभवी हॉलीवुड अभिनेत्री एन मिलर को अभिनीत करने वाली आखिरी फीचर फिल्म थी मू लेड ड्राइव को अक्सर लिच के बेहतरीन कार्यों में से एक माना जाता है इसे 2012 के साइट एंड साउंड क्रिस्टिक के अब तक की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों के सर्वश्रेष्ठ क्षण में 28वें स्थान पर रखा गया था और 2000 के बाद से सर्वश्रेष्ठ फिल्मों के 2016 के बीबीसी सर्वेक्षण में सबसे ऊपर था हॉलीवुड हिल्स में एक घुमादार सड़क मुहुर्डले ड्राइव पर एक कार दुर्घटना में एक काले बालों वाली महिला एकमात्र जीवित बची हैं आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद वेलकम टू माय YouTube चैनल मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज मैं आपको मु होल्ड ले ड्राईव मूवी के बारे में बताती हूँ मू होल्ड ले ड्राइव मू होड ले डॉक्टर के रूप में शैली व्रत दो तो की एक अति अतीय यथार्थवादी नव नोयर रहस्यमय फिल्म है जिसे डेविड लिच द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और इसमें ना ओमी वार्ट्स लोरा हेरिंग जस्टिन थेराक्स, ए एन मिलर मार्क्स पेले ग्रीनो और रॉबर्ट्स फोस्टर ने अभिनय किया है यह है बिट्टी एल्म्स वार नाम की एक महत्वाकांक्षी अभिनेत्री की कहानी बताती हैं जो हॉल ही में लॉस एंजियस में आई थी जो एक कार दुर्घटना से उबरने वाली एक भूलने वाली महिला हेरिंग से मिलती है और इससे उससे दोस्ती करती कहानी कई अन्य लघु चित्रों का अनुसरण करती हैं और पात्र जिनमें एक हॉलीवुड फिल्म निर्देशक थे रॉक्स भी शामिल है निर्देशक डेविड लिच द्वारा लिखित डेविड लिच द्वारा निर्मित मैरी स्वी स्वीनी एलन सरदे नील एडल स्टीन माइकल पोलेयर टॉनी क्रटज अभिनित जस्टिन थेराक्स ना ओमिवस लोरा एलेना हैरिंग्स एन मिलर राबर्ट फोस्टर छायांकन पीटर ड्रेमिंग द्वारा संपादित मेरी स्वीनी संगी दया एजेलो मेटी उत्पादन कंपनियां लेस फिल्म्स एलन एस असहमति प्रोडक्ट्स बब्बो एक ले स्टूडियो के नाल फिक्चर्स फैक्ट्री द्वारा वितरित यूनिवर्सल पिक्चर्स संयुक्त राज्य अमेरिका बीएससी फिल्म फ्रांस रिलीज करने की तारीख 16 मई 2001 हजार 12 क्रांस अक्टूबर 2001 अमेरिका 21 नवंबर 2001 फ्रांस कार्यकारी समय 146 मिनट देशों संयुक्त राज्य फ्रांस भाषा अंग्रेजी बजट पंद्रह मिलियन बॉक्स ऑफिस बीस पॉइंट एक मिलियन अमरीकी फ्रांसीस सह उत्पादन की कल्पना मूल रूप से एक टेलीविजन पार्लट के रूप में की गई थी और फिल्म का एक बड़ा हिस्सा 1999 में, में लिच की योजना के साथ शूट किया गया था ताकि उसे संभावित श्रृंखला के लिए खुला रखा जा सके लिच के कट को खोद देखने के बाद हालांकि टेलीविजन अधिकारियों ने इसे अस्वीकार कर दिया लिच ने तब परियोजना को एक अंत प्रदान किया जिससे यह एक फीचर फिल्म बन गई अर्थ पार्लेट अर्ध सुविधा परिणाम लिच की विशिष्ट अत्ययथार्थवादी यथार्थवादी शैली के साथ फिल्म की घटनाओं के सामान्य अर्थ को व्याख्या के लिए खुला छोड़ दिया है लिच ने कथा के लिए अपने इरादों का स्पष्टीकरण देने से इनकार कर दिया है दर्शकों आलोचकों और कलाकारों के सदस्यों को यह अनुमान लगाने के लिए छोड़ दिया है कि क्या होता है उन्होंने फिल्म को सपनों के शहर में एक प्रेम कहानी टैग लाइन दी एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर के रूप में वर्गीकृत लेड ड्राइव ने 2001 के कान फिल्म समारोह में लिच को डे लामाई से एन सीन सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार अर्जित किया जो द मैन हुक वाज नाट नाट देयर के लिए जो अलकोअन के साथ पुरस्कार साझा किया लिच ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकन भी अर्जित किया फिल्म वर्ष की, की हॉलीवुड प्रोफाइल को काफी बढ़ावा दिया और अनुभवी हॉलीवुड अभिनेत्री एन मिलर को अभिनित करने वाली आखिरी फीचर फिल्म थी मुड ड्राइव को अक्सर लिच के बेहतरीन कार्यों में से एक माना जाता है इसे 2012 के साइट एंड साउंड क्रिस्टिक के अब तक की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों के सर्वश्रेष्ठ क्षण में इस स्थान पर रखा गया था और 2000 के बाद से सर्वश्रेष्ठ फिल्मों के 2016 के बीबीसी सर्वेक्षण में सबसे ऊपर था हॉलीवुड हिल्स में एक घुमादार सड़क मुहोल्ड ड्राइव पर एक कार दुर्घटना में एक काले बालों वाली महिला एकमात्र जीवित बची है आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज मैं आपको मू होल्ड लेट ड्राईव मूवी के बारे में बताती हूँ मू होडले ड्राइव मू होड ले डॉक्टर के रूप में शैली व्रत दो तो हजार एक की एक अति अत्ती, अतीय यथार्थवादी नव नोयर रहस्यमय फिल्म है जिसे डेविड लिच द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और इसमें न ओमी वाट्स, लोरा हेरिंग जस्टिन थेराक्स ए, एन मिलर, मार्क्स पेली ग्रीनो और रॉबर्ट फोस्टर ने अभिनय किया है यह बिट्टी एल्म्स एल्स वार्ट, नाम की एक महत्वाकांक्षी अभिनेत्री की कहानी बताती है जो हाल ही में लॉस एंजियस में आई थी जो एक कार दुर्घटना से उबरने वाली एक भूलने वाली महिला हेरिंग से मिलती है और इससे उससे दोस्ती करती कहानी अन्य लघु चित्रों का अनुसरण करती हैं। और पात्र जिनमें एक हॉलीवुड फिल्म निर्देशक थे रॉक्स भी शामिल है निर्देशक डेविड लिच द्वारा लिखित डेविड लिच द्वारा निर्मित मैरी स्वी स्वीनी एलन सरदे नील एडलस्टीन माइकल पोलेयर टॉनी क्रटज अभिनत जस्टिन थेराक्स ना ओमेवस लोरा एलेना हेरिंग्स मिलर, रॉबर्ट फोस्टर छायाकान पीटर ड्रेमिंग द्वारा संपादित मेरी स्वीनी संगीत दिया ए एजेलो बादल मेटी उत्पादन कंपनियां लेस फिल्म्स एलन सरौदे एसएममती प्रोडक्ट्स बब्बो एक ले स्टूडियो के नाल फिक्चर्स फैक्ट्री द्वारा वितरित यूनिवर्सल फिक्चर्स संयुक्त राज्य अमेरिका बीएससी फिल्म फ्रांस रिलीज करने की तारीख 16 मई 2001 हज़ार क्रांस बारह अक्टूबर दो हजार एक अमरीका इक्कीस दो हज़ार एक फ्रांस कार्यकारी समय एक सौ मिनट देशों संयुक्त राज्य फ्रांस भाषा अंग्रेजी बजट पंद्रह मिलियन बॉक्स ऑफिस बीस पॉइंट एक मिलियन अमरीकी फ्रांसी सह उत्पादन की कल्पना मूल रूप से एक टेलीविजन पार्लेट के रूप में की गई थी और फिल्म का एक बड़ा हिस्सा 1999 में, में लिच की योजना के साथ शूट किया गया था ताकि उसे संभावित श्रृंखला के लिए खुला रखा जा सके लिच के कट को खोद देखने के बाद हालांकि टेलीविजन अधिकारियों ने इसे अस्वीकार कर दिया लिच ने तब परियोजना को एक अंत प्रदान किया जिससे यह एक फीचर फिल्म बन गई अर्थ पार्लेट अर्ध सुविधा परिणाम लिच की विशिष्ट अतीय यथार्थवादी शैली के साथ फिल्म की घटनाओं के सामान्य अर्थ को व्याख्या के लिए खुला छोड़ दिया है लिच ने कथा के लिए अपने इरादों का स्पष्टीकरण देने से इनकार कर दिया है दर्शकों आलोचकों और कलाकारों के सदस्यों को यह अनुमान लगाने के लिए छोड़ दिया है कि क्या होता है उन्होंने फिल्म को सपनों के शहर में एक प्रेम कहानी टैग लाइन दी एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर के रूप में वर्गीकृत लेड ड्राइव ने 2001 के कान फिल्म समारोह में लिच को फ्रीकस डे लामाई से एन सीन सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार अर्जित किया जो द मैन हुक वाज नॉट नॉट देयर के लिए जो अलकोअन के साथ पुरस्कार साझा किया लिच ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकन भी अर्जित किया फिल्म किने वर्ष की, की हॉलीवुड प्रोफाइल को काफी बढ़ावा दिया और अनुभवी हॉलीवुड अभिनेत्री एन मिलर को अभिनित करने वाली आखिरी फीचर फिल्म थी मू होल लेड ड्राइव को अक्सर लिच के बेहतरीन कार्यों में से एक माना जाता है इसे 2012 के साइट एंड साउंड क्रिस्टिक के अब तक की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों के सर्वश्रेष्ठ क्षण में अट्ठाईसवें स्थान पर रखा गया था और 2000 के बाद से सर्वश्रेष्ठ फिल्मों के 2016 के बीबीसी में सबसे ऊपर था। हॉलीवुड हिल्स में एक घुमादार सड़क मुंह ड्राइव पर एक कार दुर्घटना में एक काले बालों वाली महिला एकमात्र जीवित बची हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज मैं आपको मुंह होल्ड ले ड्राई इव मूवी के बारे में बताती हूँ मुंह होल्ड ले ड्रा इव मू होड लेड डॉक्टर के रूप में सैली व्रत 2001 तो की एक अति अतीय यथार्थवादी नवनोयर रहस्यमय फिल्म है जिसे डेविड लिच द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और इसमें न ओमी वाट्स, लोरा हेरिंग जस्टिन थेराक्स ए एन मिलर मार्क्स पेले ग्रीनो और रॉबर्ट्स फोस्टर ने अभिनय किया है यह है बिट्टी एल्म्स वाल वार्ट वार्टस नाम की एक महत्वाकांक्षी अभिनेत्री की कहानी बताती हैं जो हाल ही में लॉस एंजियस में आई थी जो एक कार दुर्घटना से उबरने वाली एक भूलने वाली महिला हेरिंग से मिलती हैं और इससे उससे दोस्ती करती कहानी कई अन्य लघु चित्रों का अनुसरण करती हैं और पात्र जिनमें एक हॉलीवुड फिल्म निर्देशक थे रॉक्स भी शामिल है निर्देशक डेविड लिच द्वारा लिखित डेविड लिच द्वारा निर्मित मैरी स्वी स्वीनी एलन सरदे नील एडल स्टीन माइकल पो लेयर टॉनी क्रटज अभिनत जस्टिन थेराक्स ना ओमिवत्स लोरा एलेना हेरिंग्स एन मिलर रॉबर्ट फोस्टर छायाकान पीटर ड्रेमिंग द्वारा संपादित मेरी स्वीनी संगीत दिया ए एजेलो बादल मेटी उत्पादन कंपनियां लेस फिल्म्स एलन सरदे असहमति प्रोडक्ट्स बब्बो एक ले स्टूडियो के नाल फिक्चर्स फैक्ट्री द्वारा वितरित यूनिवर्सल फिक्चर्स संयुक्त राज्य अमेरिका बी एस सी फिल्म फ्रांस रिलीज़ करने की तारीख 16 मई 2001 फ्रांस 12 अक्टूबर 2001 अमेरिका इक्कीस नवंबर 2001 फ्रांस कार्यकारी समय 146 मिनट देशों संयुक्त राज्य फ्रांस भाषा अंग्रेजी बजट 15 मिलियन बॉक्स ऑफिस 20.1 मिलियन अमरीकी फ्रांसी सह उत्पादन की कल्पना मूल रूप से एक टेलीविज़न पार्लेट के रूप में की गई थी और फिल्म का एक बड़ा हिस्सा 1999 में, में लिच की योजना के साथ शूट किया गया था ताकि उसे संभावित श्रृंखला के लिए खुला रखा जा सके लिच के कट को खोद देखने के बाद हालांकि टेलीविजन अधिकारियों ने इसे अस्वीकार कर दिया लिच ने तब परियोजना वो एक अंत प्रदान किया जिससे यह एक फीचर फिल्म बन गई अर्थ पार्लेट अर्ध सुविधा परिणाम लिच की विशिष्ट अत्य यथार्थवादी शैली के साथ फिल्म की घटनाओं के सामान्य अर्थ को व्याख्या के लिए खुला छोड़ दिया है लिच ने कथा के लिए अपने इरादों का स्पष्टीकरण देने से इनकार कर दिया है दर्शकों आलोचकों और कलाकारों के सदस्यों को यह अनुमान लगाने के लिए छोड़ दिया है कि क्या होता है उन्होंने फिल्म को सपनों के शहर में एक प्रेम कहानी टैग लाइन दी एक मनोवैज्ञानिक थ्रेयर के रूप में वर्गीकृत लेड ड्राइव ने 2001 के कान फिल्म समारोह में लिच को फ्रीकस डे ला माइसे से एन सीन सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार अर्जित किया जो द मैन हु वाज नॉट नॉट देयर के लिए जो अलकोअन के साथ पुरस्कार साझा किया लिच ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकन भी अर्जित किया फिल्म कि ने वर्ष की हॉलीवुड प्रोफाइल को काफी बढ़ावा दिया और अनुभवी हॉलीवुड अभिनेत्री एन मिलर को अभिनीत करने वाली आखिरी फीचर फिल्म थी मू होल लेड ड्राइव को अक्सर लिच के बेहतरीन कार्यों में से एक माना जाता है इसे 2012 के साइट एंड साउंड क्रिस्टिक के अब तक की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों के सर्वश्रेष्ठ क्षण में अट्ठाईसवें स्थान पर रखा गया था और 2000 के बाद से सर्वश्रेष्ठ फिल्मों के 2016 के बीबीसी बी सी में सबसे ऊपर था हॉलीवुड हिल्स में एक घुमादार सड़क मुँह ड्राइव पर एक कार दुर्घटना में एक काले बालों वाली महिला एकमात्र जीवित बची है आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज मैं आपको मूव होल्ड लेट ड्राई इव मूवी के बारे में बताती हूँ मूव होल्ड लेट ड्राई इव मूव होल्ड लेट डॉक्टर ले के रूप में सैली व्रत दो तो की एक अति अति यथार्थवादी नव नोयर रहस्यमय फिल्म है जिसे डेविड लिच द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और इसमें ना ओमी वार्ड्स, लोरा हेरिंग जस्टिन थेराक्स, ए एन मिलर मार्क्स पेले ग्रीनो और रॉबर्ट्स फोस्टर ने अभिनय किया है यह बिट्टी एल्स वाटस नाम की एक महत्वाकांक्षी अभिनेत्री की कहानी बताती है जो हाल ही में एंजियस में आई थी जो एक कार दुर्घटना से उबरने वाली एक भूलने वाली महिला हेरिंग से मिलती है और इससे उससे दोस्ती करती कहानी कई अन्य लघु चित्रों का अनुसरण करती है और पात्र जिनमें एक हॉलीवुड फिल्म निर्देशक थेरॉक्स भी शामिल है निर्देशक डेविड लिच द्वारा लिखित डेविड लिच द्वारा निर्मित मैरी स्वी स्वीनी एलन सरदे नील एडल स्टीन माइकल पोलेयर टॉनी क्रटज अभिनित जस्टिन थेरॉक्स ना ओमीवर्थ लोरा एलेना हैरिंग्स, एन मिलर राबर्ट फोस्टर छायाकान पीटर ड्रेमिंग द्वारा संपादित मेरी स्वीनी संगीत दिया ए एजेलो मेटी उत्पादन कंपनियां लेस फिल्म्स एलन सरदे एममती प्रोडक्ट्स बब्बो इक ले स्टूडियो के नाल फिक्चर्स फैक्ट्री द्वारा वितरित यूनिवर्सल फिक्चर्स संयुक्त राज्य अमेरिका बीएससी फिल्म फ्रांस रिलीज करने की तारीख 16 मई 2001 फ्रांस 12 क्रांस अक्टूबर 2001 अमेरिका 21 नवंबर 2001 फ्रांस कार्यकारी समय 146 मिनट देशों संयुक्त राज्य फ्रांस भाषा अंग्रेजी बजट पंद्रह मिलियन बॉक्स ऑफिस बीस पॉइंट एक मिलियन अमरीकी फ्रांसी सह उत्पादन की कल्पना मूल रूप से एक टेलीविज़न पायलट के रूप में की गई थी और फिल्म का एक बड़ा हिस्सा 1999 में, में लिच की योजना के साथ शूट किया गया था ताकि उसे संभावित श्रृंखला के लिए खुला रखा जा सके लिच के कट को खोद देखने के बाद हालांकि टेलीविजन अधिकारियों ने इसे अस्वीकार कर दिया लिच ने तब परियोजना को एक अंत प्रदान किया जिससे यह एक फीचर फिल्म बन गई अर्थ पार्लेट अर्ध सुविधा परिणाम लिच की विशिष्ट अत्य यथार्थवादी शैली के साथ फिल्म की घटनाओं के सामान्य अर्थ को व्याख्या के लिए खुला छोड़ दिया है लिच ने कथा के लिए अपने इरादों का स्पष्टीकरण देने से इनकार कर दिया है दर्शकों आलोचकों और कलाकारों के सदस्यों को यह अनुमान लगाने के लिए छोड़ दिया है कि क्या होता है उन्होंने फिल्म को सपनों के शहर में एक प्रेम कहानी टैग लाइन दी एक मनोवैज्ञानिक थ्रेयर के रूप में वर्गीकृत मुहू लेड ड्राइव ने 2001 के कान फिल्म समारोह में लिच को फ्रीकस डे लामाई से एन सीन सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार अर्जित किया जो द मैन हुक वाज नाट ट देयर के लिए जो अलकोअन के साथ पुरस्कार साझा किया लिच ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकन भी अर्जित किया फिल्म किने ने वर्स की हॉलीवुड प्रोफाइल को काफी बढ़ावा दिया और अनुभवी हॉलीवुड अभिनेत्री एन मिलर को अभिनीत करने वाली आखिरी फीचर फिल्म थी मू लेड ड्राइव को अक्सर लिच के बेहतरीन कार्यों में से एक माना जाता है इसे 2012 के साइट एंड साउंड क्रिस्टिक के अब तक की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों के सर्वश्रेष्ठ क्षण में 28वें स्थान पर रखा गया था और 2000 के बाद से सर्वश्रेष्ठ फिल्मों के 2016 के बीबीसी सर्वेक्षण में सबसे ऊपर था हॉलीवुड हिल्स में एक घुमादार सड़क मुहोल्ड ड्राइव पर एक कार दुर्घटना में एक काले बालों वाली महिला एकमात्र जीवित बची हैं आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद वेलकम टू माय YouTube चैनल मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज मैं आपको मु होल्ड ले ड्राइव मूवी के बारे में बताती हूँ मू होव ले मू लेड डॉक्टर के रूप में सैली व्रत दो तो हजार एक की एक अति अति यथार्थवादी नव नोयर रहस्यमय फिल्म है जिसे डेविड लिच द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और इसमें ना ओमी वार्ट्स लोरा हेरिंग जस्टिन थेराक्स, ए एन मिलर मार्क्स पेले ग्रीनो और रॉबर्ट फोस्टर ने अभिनय किया है यह बिट्टी एल्म्स वार नाम की एक महत्वाकांक्षी अभिनेत्री की कहानी बताती हैं जो हाल ही में लॉस एंजल्स में आई थी जो एक कार दुर्घटना से उबरने वाली एक भूलने वाली महिला हेरिंग से मिलती है और इससे उससे दोस्ती करती कहानी कई अन्य लघु चित्रों का अनुसरण करती हैं और पात्र जिनमें एक हॉलीवुड फिल्म निर्देशक थे रॉक्स भी शामिल है निर्देशक डेविड लिच द्वारा लिखित डेविड लिच द्वारा निर्मित मैरी स्वी स्वीनी एलन सरदे नील एडलस्टीन माइकल पोलेयर टॉनी क्रटज अभिनित जस्टिन थेराक्स ना ओमिवस लोरा एलेना हैरिंग्स मिलर रॉबर्ट फोस्टर छायाकान पीटर ड्रेमिंग द्वारा संपादित मेरी स्वीनी, संगीत ए एजेलो बादल मेटी उत्पादन कंपनियां लेस फिल्म्स एलन एस असहमति प्रोडक्ट्स बब्बो एक ले स्टूडियो के नाल पिक्चर्स फैक्ट्री द्वारा वितरित यूनिवर्सल फिक्चर्स संयुक्त राज्य अमेरिका बी एस सी फिल्म फ्रांस रिलीज करने की तारीख 16 मई 2001 फ्रांस, 12 क्रांस अक्टूबर 2001 अमेरिका 21 अमरीका 2001 फ्रांस कार्यकारी समय 146 मिनट देशों संयुक्त राज्य फ्रांस भाषा अंग्रेजी बजट 15 मिलियन बॉक्स ऑफिस 20.1 मिलियन अमरीकी फ्रांसीसी सह उत्पादन की कल्पना मूल रूप से एक टेलीविजन पायलट के रूप में की गई थी और फिल्म का एक बड़ा हिस्सा 1999 में, में लिच की योजना के साथ शूट किया गया था ताकि उसे संभावित श्रृंखला के लिए खुला रखा जा सके लिच के कट को खोद देखने के बाद हालांकि टेलीविजन अधिकारियों ने इसे अस्वीकार कर दिया लिच ने तब परियोजना को एक अंत प्रदान किया जिससे यह एक फीचर फिल्म बन गई अर्थ पार्लेट अर्ध सुविधा परिणाम लिच की विशिष्ट यथार्थवादी शैली के साथ फिल्म की घटनाओं के सामान्य अर्थ को व्याख्या के लिए खुला छोड़ दिया है लिच ने कथा के लिए अपने इरादों का स्पष्टीकरण देने से इनकार कर दिया है दर्शकों आलोचकों और कलाकारों के सदस्यों को यह अनुमान लगाने के लिए छोड़ दिया है कि क्या होता है उन्होंने फिल्म को सपनों के शहर में एक प्रेम कहानी टैग लाइन दी एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर के रूप में वर्गीकृत मुहू लेड ड्राइव ने 2001 के कान फिल्म समारोह में लिच को ला लामाई से एन सीन सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार अर्जित किया जो द मैन हुक वाज नाट नाट देयर के लिए जो अलकोअन के साथ पुरस्कार साझा किया लिच ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकन भी अर्जित किया फिल्म की, की हॉलीवुड प्रोफाइल को काफी बढ़ावा दिया और अनुभवी हॉलीवुड अभिनेत्री एन मिलर को अभिनीत करने वाली आखिरी फीचर फिल्म थी मुड ड्राइव को अक्सर लिच के बेहतरीन कार्यों में से एक माना जाता है इसे 2012 के साइट एंड साउंड क्रिस्टिक के अब तक की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों के सर्वश्रेष्ठ क्षण में अट्ठाईसवें स्थान पर रखा गया था और दो हजार के बाद से सर्वश्रेष्ठ फिल्मों के दो हजार सोलह के बी बी सी सर्वेक्षण में सबसे ऊपर था हॉलीवुड हिल्स में एक घुमादार सड़क मुंह ड्राइव पर एक कार दुर्घटना में एक काले बालों वाली महिला एकमात्र जीवित बची है आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज मैं आपको मू होल्ड ले ड्राईव मूवी के बारे में बताती हूँ मू ले ड्राइव मू ले डॉक्टर के रूप में सैली दो तो हजार एक की एक अति अतीय यथार्थवादी नवनोयर रहस्यमय फिल्म है जिसे डेविड लिच द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और इसमें ओमी वर्ड्स लोरा हेरिंग जस्टिन थेराक्स ए एन मिलर मार्क्स पेलिंग ग्रीनो और रावर्ट्स फोस्टर ने अभिनय किया है यह बिट्टी एल्म्स व्हाट डस नाम की एक महत्वाकांक्षी अभिनेत्री की कहानी बताती है, जो हाल ही में लार्ज एंजियस में आई थी जो एक कार दुर्घटना से उबरने वाली एक भूलने वाली महिला हेरिंग से मिलती है और इससे उससे दोस्ती करती कहानी कई अन्य लघु चित्रों का अनुसरण करती है और पात्र जिनमें एक हॉलीवुड फिल्म निर्देशक थे रॉक्स भी शामिल है निर्देशक डेविड लिच द्वारा लिखित डेविड लिच द्वारा निर्मित मैरी स्वी स्वीनी एलन सरदे नील एडल स्टीन, माइकल पोलेयर टॉनी क्रटज अभिनित जस्टिन थेराक्स ना ओमिवस, लोरा एलेना हेरिंग्स मिलर, रॉबर्ट फोस्टर छायाकान पीटर ड्रेमिंग द्वारा संपादित मेरी संगीत दिया ए एजेलो बादल मेटी उत्पादन कंपनियां लेस फिल्म्स एलन सरदे असमती प्रोडक्ट्स बब्बो इक ले स्टूडियो के नाल फिक्चर्स फैक्ट्री द्वारा वितरित यूनिवर्सल फिक्चर्स संयुक्त राज्य अमेरिका बी एस सी फिल्म फ्रांस रिलीज़ करने की तारीख 16 मई 2001 हजार क्रांस बारह अक्टूबर दो हजार एक अमरीका इक्कीस नवम्बर दो हजार एक फ्रांस कार्यकारी समय एक सौ छियालीस मिनट देशों संयुक्त राज्य फ्रांस भाषा अंग्रेजी बजट पंद्रह मिलियन बॉक्स ऑफिस बीस पॉइंट एक मिलियन अमरीकी फ्रांसी सह उत्पादन की कल्पना मूल रूप से एक टेलीविजन पार्लेट के रूप में की गई थी और फिल्म का एक बड़ा हिस्सा 1999 में, में लिच की योजना के साथ शूट किया गया था ताकि उसे संभावित श्रृंखला के लिए खुला रखा जा सके लिच के कट को खोद देखने के बाद हालांकि टेलीविजन अधिकारियों ने इसे अस्वीकार कर दिया लिच ने तब परियोजना को एक अंत प्रदान किया जिससे यह एक फीचर फिल्म बन गई अर्थ पार्लेट अर्ध सुविधा परिणाम लिच की विशिष्ट अत्य यथार्थवादी शैली के बा साथ फिल्म की घटनाओं के सामान्य अर्थ को व्याख्या के लिए खुला छोड़ दिया है लिच ने कथा के लिए अपने इरादों का स्पष्टीकरण देने से इनकार कर दिया है दर्शकों आलोचकों और कलाकारों के सदस्यों को यह अनुमान लगाने के लिए छोड़ दिया है कि क्या होता है उन्होंने फिल्म को सपनों के शहर में एक प्रेम कहानी टैंक लाइन दी एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर के रूप में वर्गीकृत लेड ड्राइव ने 2001 के कान फिल्म समारोह में लिच को फ्रीकस डे ला माई से एन सीन सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार अर्जित किया जो द मैन नॉट देयर के लिए जो अलकोअन के साथ पुरस्कार साझा किया लिच ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकन भी अर्जित किया फिल्म किने की हॉलीवुड प्रोफाइल को काफी बढ़ावा दिया और अनुभवी हॉलीवुड अभिनेत्री एन मिलर को अभिनित करने वाली आखिरी फीचर फिल्म थी मू होल लेड ड्राइव को अक्सर लिच के बेहतरीन कार्यों में से एक माना जाता है इसे 2012 के साइट एंड साउंड क्रिस्टिक के अब तक की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों के सर्वश्रेष्ठ क्षण में अट्ठाईसवें स्थान पर रखा गया था और 2000 के बाद से सर्वश्रेष्ठ फिल्मों के 2016 के बीबीसी में सबसे ऊपर था। हॉलीवुड हिल्स में एक घुमादार सड़क मुंह ड्राइव पर एक कार दुर्घटना में एक काले बालों वाली महिला एकमात्र जीवित बची हैं आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज मैं आपको मू होल्ड ले ड्राई इव मूवी के बारे में बताती हूँ मू हो ड्राईव मू होड ले डॉक्टर के रूप में सैली दो तो हजार एक की एक अति अतीय यथार्थवादी नव नोयर रहस्यमय फिल्म है जिसे डेविड लिच द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और इसमें न ओमी वाट्स, लोरा हेरिंग जस्टिन थेराक्स ए एन मिलर मार्क्स पेले ग्रीनो और रॉबर्ट फोस्टर ने अभिनय किया है यह बिट्टी एल्म्स वार्ट वार्टस नाम की एक महत्वाकांक्षी अभिनेत्री की कहानी बताती है जो हाल ही में लॉस एंजियस में आई थी जो एक कार दुर्घटना से उबरने वाली एक भूलने वाली महिला हेरिंग से मिलती है और इससे उससे दोस्ती करती कहानी कई अन्य लघु चित्रों का अनुसरण करती हैं और पात्र जिनमें एक हॉलीवुड फिल्म निर्देशक थे रॉक्स भी शामिल है निर्देशक डेविड लिच द्वारा लिखित डेविड लिच द्वारा निर्मित मैरी स्वी स्वीनी एलन सरदे नील एडल स्टीन माइकल पो लेयर, टॉनी क्रटज अभिनत जस्टिन थेराक्स ना ओमिवर्स लोरा एलेना हेरिंग्स एन मिलर रॉबर्ट फोस्टर छायाकान पीटर ड्रेमिंग द्वारा संपादित मेरी स्वीन संगीत दिया ए एजेलो बादल मेटी उत्पादन कंपनियां लेस फिल्म्स एलन सरदे असहमति प्रोडक्ट्स बब्बो एक ले स्टूडियो के नाल फिक्चर्स फैक्ट्री द्वारा वितरित यूनिवर्सल फिक्चर्स संयुक्त राज्य अमेरिका बी एस सी फिल्म फ्रांस रिलीज़ करने की तारीख 16 मई 2001 हजार 12 क्रांस अक्टूबर 2001 अमेरिका 21 नवंबर 2001 फ्रांस कार्यकारी समय 146 मिनट देशों संयुक्त राज्य फ्रांस भाषा अंग्रेजी बजट 15 मिलियन बॉक्स ऑफिस 20.1 मिलियन अमरीकी फ्रांसी सह उत्पादन की कल्पना मूल रूप से एक टेलीविज़न पार्लेट के रूप में की गई थी और फिल्म का एक बड़ा हिस्सा 1999 में, में लिच की योजना के साथ शूट किया गया था ताकि उसे संभावित श्रृंखला के लिए खुला रखा जा सके लिच के कट को खोद देखने के बाद हालांकि टेलीविजन अधिकारियों ने इसे अस्वीकार कर दिया लिच ने तब परियोजना को एक अंत प्रदान किया जिससे यह एक फीचर फिल्म बन गई अर्थ पार्लेट अर्ध सुविधा परिणाम लिच की विशिष्ट अति यथार्थवादी शैली के बा साथ फिल्म की घटनाओं के सामान्य अर्थ को व्याख्या के लिए खुला छोड़ दिया है लिच ने कथा के लिए अपने इरादों का स्पष्टीकरण देने से इनकार कर दिया है दर्शकों आलोचकों और कलाकारों के सदस्यों को यह अनुमान लगाने के लिए छोड़ दिया है कि क्या होता है उन्होंने फिल्म को सपनों के शहर में एक प्रेम कहानी टैग लाइन दी एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर के रूप में वर्गीकृत लेड ड्राइव ने 2001 के कान फिल्म समारोह में लिच को फ्रीकस डे ला माइ से एन सीन सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार अर्जित किया जो द मैन हु वाज नॉट नॉट देयर के लिए जो अलकोन के साथ पुरस्कार साझा किया लिच ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकन भी अर्जित किया फिल्म ने वर्ष की हॉलीवुड प्रोफाइल को काफी बढ़ावा दिया और अनुभवी हॉलीवुड अभिनेत्री एन मिलर को अभिनित करने वाली आखिरी फीचर फिल्म थी लेड ड्राइव को अक्सर लिच के बेहतरीन कार्यों में से एक माना जाता है इसे 2012 के साइट एंड साउंड क्रिस्टिक के अब तक की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों के सर्वश्रेष्ठ क्षण में अट्ठाईसवें स्थान पर रखा गया था और 2000 के बाद से सर्वश्रेष्ठ फिल्मों के 2016 के बीबीसी में सबसे ऊपर था। हॉलीवुड हिल्स में एक घुमादार सड़क मुंह ले ड्राइव पर एक कार दुर्घटना में एक काले बालों वाली महिला एकमात्र जीवित बची हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद माई यूट्यूब मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज मैं आपको मू हो के बारे में बताती हूँ Hold हो डॉक्टर के रूप में शैलीव्रत दो तो हजार एक की एक अतीय यथार्थवादी नव नोयर रहस्यमय फिल्म है जिसे डेविड लिच द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और इसमें न ओमी वाट्स, लोरा हेरिंग जस्टिन थेराक्स ए एन मिलर मार्क्स पेले ग्रीनो और रॉबर्ट फोस्टर ने अभिनय किया है यह है बिट्टी एल्म्स वार्ट नाम की एक महत्वाकांक्षी अभिनेत्री की कहानी बताती है जो हाल ही में लॉस एंजियस में आई थी जो एक कार दुर्घटना से उबरने वाली एक भूलने वाली महिला हेरिंग से मिलती है और इससे उससे दोस्ती करती कहानी कई अन्य लघु चित्रों का अनुसरण करती हैं और पात्र जिनमें एक हॉलीवुड फिल्म निर्देशक थे रॉक्स भी शामिल है निर्देशक डेविड लिच द्वारा लिखित डेविड लिच द्वारा निर्मित मैरी स्वी स्वीनी एलन सरदे नील एडल स्टीन माइकल पो लेयर, टॉनी क्रटज अभिनत जस्टिन थेराक्स ना ओमिवर्स लोरा एलेना हेरिंग्स एन मिलर रॉबर्ट फोस्टर, छायाकान पीटर ड्रेमिंग द्वारा संपादित मेरी स्वीनी संगीत दिया ए एजेलो बादल मेटी उत्पादन कंपनियां लेस फिल्म्स एलन सरदे असहमति प्रोडक्ट्स बब्बो एक ले स्टूडियो के नाल फिक्चर्स फैक्ट्री द्वारा वितरित यूनिवर्सल फिक्चर्स संयुक्त राज्य अमेरिका बी एस सी फिल्म फ्रांस रिलीज़ करने की तारीख 16 मई 2001 फ्रांस 12 अक्टूबर 2001 अमेरिका 21 नवंबर 2001 फ्रांस कार्यकारी समय 146 मिनट देशों संयुक्त राज्य फ्रांस भाषा अंग्रेजी बजट 15 मिलियन बॉक्स ऑफिस 20.1 मिलियन अमरीकी फ्रांसी सह उत्पादन की कल्पना मूल रूप से एक टेलीविज़न पार्लेट के रूप में की गई थी और फिल्म का एक बड़ा हिस्सा उन्नीस में, में लिच की योजना के साथ शूट किया गया था ताकि उसे संभावित श्रृंखला के लिए खुला रखा जा सके लिच के कट को खोद देखने के बाद हालांकि टेलीविजन अधिकारियों ने इसे अस्वीकार कर दिया लिच ने तब परियोजना को एक अंत प्रदान किया जिससे यह एक फीचर फिल्म बन गई अर्थ पार्लेट अर्ध सुविधा परिणाम लिच की विशिष्ट अति यथार्थवादी शैली के साथ फिल्म की घटनाओं के सामान्य अर्थ को व्याख्या के लिए खुला छोड़ दिया है लिच ने कथा के लिए अपने इरादों का स्पष्टीकरण देने से इनकार कर दिया है दर्शकों आलोचकों और कलाकारों के सदस्यों को यह अनुमान लगाने के लिए छोड़ दिया है कि क्या होता है उन्होंने फिल्म को सपनों के शहर में एक प्रेम कहानी टैग लाइन दी एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर के रूप में वर्गीकृत लेड ड्राइव ने 2001 के कान फिल्म समारोह में लिच को फ्रीकस डे लामाई से एन सीन सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार अर्जित किया जो द मैन हुक वाज नॉट नॉट देयर के लिए जो अलकोन के साथ पुरस्कार साझा किया लिच ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकन भी अर्जित किया फिल्म ने वर्ष की हॉलीवुड प्रोफाइल को काफी बढ़ावा दिया और अनुभवी हॉलीवुड अभिनेत्री एन मिलर को अभिनित करने वाली आखिरी फीचर फिल्म थी लेड ड्राइव को अक्सर लिच के बेहतरीन कार्यों में से एक माना जाता है इसे 2012 के साइट एंड साउंड क्रिस्टिक के अब तक की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों के सर्वश्रेष्ठ क्षण में अट्ठाईसवें स्थान पर रखा गया था और 2000 के बाद से सर्वश्रेष्ठ फिल्मों के 2016 के बीबीसी में सबसे ऊपर था। हॉलीवुड हिल्स में एक घुमादार सड़क मुंह ड्राइव पर एक कार दुर्घटना में एक काले बालों वाली महिला एकमात्र जीवित बची हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद माई यूट्यूब मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज मैं आपको मू हो मूवी के बारे में बताती हूँ मू होड ले ड्राईव Hold होड डॉक्टर के रूप में शैलीव्रत दो तो हजार एक की एक अतीय यथार्थवादी नव नोयर रहस्यमय फिल्म है जिसे डेविड लिच द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और इसमें न ओमी वाट्स, लोरा हेरिंग जस्टिन थेराक्स ए एन मिलर मार्क्स पेले ग्रीनो और रॉबर्ट फोस्टर ने अभिनय किया है यह बिट्टी एल्म्स वार्ट नाम की एक महत्वाकांक्षी अभिनेत्री की कहानी बताती हैं जो हाल ही में लॉस एंजियस में आई थी जो एक कार दुर्घटना से उबरने वाली एक भूलने वाली महिला हैरिंग से मिलती हैं और इससे उससे दोस्ती करती कहानी कई अन्य लघु चित्रों का अनुसरण करती हैं और पात्र जिनमें एक हॉलीवुड फिल्म निर्देशक थे रॉक्स भी शामिल है निर्देशक डेविड लिच द्वारा लिखित डेविड लिच द्वारा निर्मित मैरी स्वी स्वीनी एलन सरदे नील एडल स्टीन माइकल पो लेयर, टॉनी क्रटज अभिनत जस्टिन थेराक्स ना ओमवत्स लोरा एलेना हेरिंग्स एन मिलर रॉबर्ट फोस्टर छायाकान पीटर ड्रेमिंग द्वारा संपादित मेरी स्वीनी संगीत दीआ एजेलो बादल मेटी उत्पादन कंपनियां लेस फिल्म्स एलन सरदे असहमति प्रोडक्स बब्बो एक ले स्टूडियो के नाल फिक्चर्स फैक्ट्री द्वारा वितरित यूनिवर्सल फिक्चर्स संयुक्त राज्य अमेरिका बी एस सी फिल्म फ्रांस रिलीज़ करने की तारीख 16 मई 2001 फ्रांस 12 अक्टूबर 2001 अमेरिका 21 नवंबर 2001 फ्रांस कार्यकारी समय 146 मिनट देशों संयुक्त राज्य फ्रांस भाषा अंग्रेजी बजट 15 मिलियन बॉक्स ऑफिस 20.1 मिलियन अमरीकी फ्रांसी सह उत्पादन की कल्पना मूल रूप से एक टेलीविज़न पार्लेट के रूप में की गई थी और फिल्म का एक बड़ा हिस्सा उन्नीस सौ निन्यानवे में लिच की योजना के साथ शूट किया गया था ताकि उसे संभावित श्रृंखला के लिए खुला रखा जा सके लिच के कट को खोद देखने के बाद हालांकि टेलीविजन अधिकारियों ने इसे अस्वीकार कर दिया लिच ने तब परियोजना को एक अंत प्रदान किया जिससे यह एक फीचर फिल्म बन गई अर्थ पार्लेट अर्ध सुविधा परिणाम लिच की विशिष्ट अति यथार्थवादी शैली के बा साथ फिल्म की घटनाओं के सामान्य अर्थ को व्याख्या के लिए खुला छोड़ दिया है लिच ने कथा के लिए अपने इरादों का स्पष्टीकरण देने से इनकार कर दिया है दर्शकों आलोचकों और कलाकारों के सदस्यों को यह अनुमान लगाने के लिए छोड़ दिया है कि क्या होता है उन्होंने फिल्म को सपनों के शहर में एक प्रेम कहानी दी, एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर के रूप में वर्गीकृत लेड ड्राइव ने 2001 के कान फिल्म समारोह में लिच को फ्रीकस डे ला माइसे से एन सीन सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार अर्जित किया जो द मैन देयर के लिए जो अलकोअन के साथ पुरस्कार साझा किया लिच ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकन भी अर्जित किया फिल्म ने वर्ष की हॉलीवुड प्रोफाइल को काफी बढ़ावा दिया और अनुभवी हॉलीवुड अभिनेत्री एन मिलर को अभिनित करने वाली आखिरी फीचर फिल्म थी मू हो लेड ड्राइव को अक्सर लिच के बेहतरीन कार्यों में से एक माना जाता है इसे 2012 के साइट एंड साउंड क्रिस्टिक के अब तक की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों के सर्वश्रेष्ठ क्षण में अट्ठाईसवें स्थान पर रखा गया था और 2000 के बाद से सर्वश्रेष्ठ फिल्मों के 2016 के बीबीसी में सबसे ऊपर था। हॉलीवुड हिल्स में एक घुमादार सड़क मुंह ड्राइव पर एक कार दुर्घटना में एक काले बालों वाली महिला एकमात्र जीवित बची आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद माय यूट्यूब चैनल मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज मैं आपको ड्राई हो मूवी के बारे में बताती हूँ मू होड लेड होल्ड होड डॉक्टर के रूप में सैली दो तो हजार एक की एक अति अतीय यथार्थवादी नोयर रहस्यमय फिल्म है जिसे डेविड लिच द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और इसमें न ओमी वर्ड्स लोरा हेरिंग जस्टिन थेराक्स ए एन मिलर मार्क्स पेले ग्रीनो और रॉबर्ट फोस्टर ने अभिनय किया है यह है बिट्टी एल्म्स वार्ट वार्टस नाम की एक महत्वाकांक्षी अभिनेत्री की कहानी बताती हैं जो हाल ही में लॉस एंजियस में आई थी जो एक कार दुर्घटना से उबरने वाली एक भूलने वाली महिला हेरिंग से मिलती हैं और इससे उससे दोस्ती करती कहानी कई अन्य लघु चित्रों का अनुसरण करती हैं और पात्र जिनमें एक हॉलीवुड फिल्म निर्देशक थे रॉक्स भी शामिल है निर्देशक डेविड लिच द्वारा लिखित डेविड लिच द्वारा निर्मित मैरी स्वी स्वीनी एलन सरदे नील एडल स्टीन माइकल पो लेयर, टॉनी क्रटज अभिनत जस्टिन थेराक्स ना ओमवत्स लोरा एलेना हेरिंग्स एन मिलर रॉबर्ट फोस्टर छायाकान पीटर ड्रेमिंग द्वारा संपादित मेरी स्वीनी संगीत दिए एजेलो बादल मेटी उत्पादन कंपनियां लेस फिल्म्स एलन सरदे असहमति प्रोडक्ट्स बब्बो एक ले स्टूडियो के नाल फिक्चर्स फैक्ट्री द्वारा वितरित यूनिवर्सल फिक्चर्स संयुक्त राज्य अमेरिका बी एस सी फिल्म फ्रांस रिलीज़ करने की तारीख 16 मई 2001 फ्रांस 12 अक्टूबर 2001 अमेरिका 21 नवंबर 2001 फ्रांस कार्यकारी समय 146 मिनट देशों संयुक्त राज्य फ्रांस भाषा अंग्रेजी बजट 15 मिलियन बॉक्स ऑफिस 20.1 मिलियन अमरीकी फ्रांसी सह उत्पादन की कल्पना मूल रूप से एक टेलीविजन पार्लेट के रूप में की गई थी और फिल्म का एक बड़ा हिस्सा उन्नीस सौ निन्यानवे में लिच की योजना के साथ शूट किया गया था ताकि उसे संभावित श्रृंखला के लिए खुला रखा जा सके लिच के कट को खोद देखने के बाद हालांकि टेलीविजन अधिकारियों ने इसे अस्वीकार कर दिया लिच ने तब परियोजना को एक अंत प्रदान किया जिससे यह एक फीचर फिल्म बन गई अर्थ पार्लेट अर्ध सुविधा परिणाम लिच की विशिष्ट अतीय यथार्थवादी शैली के बा साथ फिल्म की घटनाओं के सामान्य अर्थ को व्याख्या के लिए खुला छोड़ दिया है लिच ने कथा के लिए अपने इरादों का स्पष्टीकरण देने से इनकार कर दिया है दर्शकों आलोचकों और कलाकारों के सदस्यों को यह अनुमान लगाने के लिए छोड़ दिया है कि क्या होता है उन्होंने फिल्म को सपनों के शहर में एक प्रेम कहानी टैग लाइन दी एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर के रूप में वर्गीकृत लेड ड्राइव ने 2001 के कान फिल्म समारोह में लिच को फ्रीकस डे लामाई से एन सीन सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार अर्जित किया जो द मैन हु वाज नॉट नॉट देयर के लिए जो अल्कोन के साथ पुरस्कार साझा किया लिच ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकन भी अर्जित किया फिल्म किने वॉट्स की हॉलीवुड प्रोफाइल को काफी बढ़ावा दिया और अनुभवी हॉलीवुड अभिनेत्री एन मिलर को अभिनित करने वाली आखिरी फीचर फिल्म थी मू हो लेड ड्राइव को अक्सर लिच के बेहतरीन कार्यों में से एक माना जाता है इसे 2012 के साइट एंड साउंड क्रिस्टिक के अब तक की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों के सर्वश्रेष्ठ क्षण में अट्ठाईसवें स्थान पर रखा गया था और 2000 के बाद से सर्वश्रेष्ठ फिल्मों के 2016 के बीबीसी में सबसे ऊपर था। हॉलीवुड हिल्स में एक घुमादार सड़क मुंह ड्राइव पर एक कार दुर्घटना में एक काले बालों वाली महिला एकमात्र जीवित बची हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज मैं आपको मू हो मूवी के बारे में बताती हूँ If होव Hold हो डॉक्टर के रूप में सैली व्रत 2001 तो की एक अति अतीय यथार्थवादी नोयर रहस्यमय फिल्म है जिसे डेविड लिच द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और इसमें न ओमी वर्ड्स लोरा हेरिंग जस्टिन थेराक्स ए एन मिलर मार्क्स पेले ग्रीनो और रॉबर्ट फोस्टर ने अभिनय किया है यह बिट्टी एल्म्स वार्ट वार्टस नाम की एक महत्वाकांक्षी अभिनेत्री की कहानी बताती हैं जो हाल ही में लॉस एंजियस में आई थी जो एक कार दुर्घटना से उबरने वाली एक भूलने वाली महिला हैरिंग से मिलती हैं और इससे उससे दोस्ती करती कहानी कई अन्य लघु चित्रों का अनुसरण करती हैं और पात्र जिनमें एक हॉलीवुड फिल्म निर्देशक थे रॉक्स भी शामिल है निर्देशक डेविड लिच द्वारा लिखित डेविड लिच द्वारा निर्मित मैरी स्वी स्वीनी एलन सरदे नील एडल स्टीन माइकल पो लेयर, टॉनी क्रटज अभिनत जस्टिन थेराक्स ना ओमिवत्स लोरा एलेना हेरिंग्स एन मिलर रॉबर्ट फोस्टर छायाकान पीटर ड्रेमिंग द्वारा संपादित मेरी स्वीनी संगीत दिया ए एजेलो बादल मेटी उत्पादन कंपनियां लेस फिल्म्स एलन सरदे असहमति प्रोडक्ट्स बब्बो एक ले स्टूडियो के नाल फिक्चर्स फैक्ट्री द्वारा वितरित यूनिवर्सल फिक्चर्स संयुक्त राज्य अमेरिका बी एस सी फिल्म फ्रांस रिलीज़ करने की तारीख 16 मई 2001 हजार 12 अक्टूबर 2001 अमेरिका इक्कीस नवंबर दो हज़ार एक फ्रांस कार्यकारी समय एक सौ छियालीस मिनट देशों संयुक्त राज्य फ्रांस भाषा अंग्रेजी बजट पंद्रह मिलियन बॉक्स ऑफिस बीस पॉइंट एक मिलियन अमरीकी फ्रांसी सह उत्पादन की कल्पना मूल रूप से एक टेलीविजन पार्लट के रूप में की गई थी और फिल्म का एक बड़ा हिस्सा उन्नीस सौ निन्यानवे में, में लिच की योजना के साथ शूट किया गया था ताकि उसे संभावित श्रृंखला के लिए खुला रखा जा सके लिच के कट को खोद देखने के बाद हालांकि टेलीविजन अधिकारियों ने इसे अस्वीकार कर दिया लिच ने तब परियोजना को एक अंत प्रदान किया जिससे यह एक फीचर फिल्म बन गई अर्थ पार्लेट अर्ध सुविधा परिणाम लिच की विशिष्ट अत्य यथार्थवादी शैली के साथ फिल्म की घटनाओं के सामान्य अर्थ को व्याख्या के लिए खुला छोड़ दिया है लिच ने कथा के लिए अपने इरादों का स्पष्टीकरण देने से इनकार कर दिया है दर्शकों आलोचकों और कलाकारों के सदस्यों को यह अनुमान लगाने के लिए छोड़ दिया है कि क्या होता है उन्होंने फिल्म को सपनों के शहर में एक प्रेम कहानी टैग लाइन दी एक मनोवैज्ञानिक थ्रेयर के रूप में वर्गीकृत लेड ड्राइव ने 2001 के कान फिल्म समारोह में लिच को फ्रीकस डे ला माइ से एन सीन सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार अर्जित किया जो द मैन हु वाज नॉट नॉट देयर के लिए जो अल्कोन के साथ पुरस्कार साझा किया लिच ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकन भी अर्जित किया फिल्म की ने हॉलीवुड प्रोफाइल को काफी बढ़ावा दिया और अनुभवी हॉलीवुड अभिनेत्री एन मिलर को अभिनित करने वाली आखिरी फीचर फिल्म थी मू हो लेड ड्राइव को अक्सर लिच के बेहतरीन कार्यों में से एक माना जाता है इसे दो हज़ार बारह के साइट एंड साउंड क्रिस्टिक के अब तक की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों के सर्वश्रेष्ठ क्षण में 28वें स्थान पर रखा गया था और 2000 के बाद से सर्वश्रेष्ठ फिल्मों के 2016 के बीबीसी बी सी में सबसे ऊपर था हॉलीवुड हिल्स में एक घुमादार सड़क मुंह ड्राइव पर एक कार दुर्घटना में एक काले बालों वाली महिला एकमात्र जीवित बची है आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद कम टू माय यूट्यूब चैनल मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज मैं आपको मू होल्ड लेड ड्राई मूवी के बारे में बताती हूँ मू होल्ड लेड ड्राई इफ होल्ड लेड डॉक्टर के रूप में सैली व्रत 2021 तो की एक अति अतियथाथवादी नव नोयर रहस्यमय फिल्म है जिसे डेविड लिच द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और इसमें ना ओमी वर्ट्स लोरा हेरिंग जस्टिन थेराक्स, ए एन मिलर मार्क्स पेले ग्रीनो और रॉबर्ट फोस्टर ने अभिनय किया है यह है बिट्टी एल्म्स वर्ट वाटस नाम की एक महत्वाकांक्षी अभिनेत्री की कहानी बताती हैं जो हाल ही में लॉस एंजियस में आई थी जो एक कार दुर्घटना से उबरने वाली एक भूलने वाली महिला हेरिंग से मिलती है और इससे उससे दोस्ती करती कहानी कई अन्य लघु चित्रों का अनुसरण करती हैं और पात्र जिनमें एक हॉलीवुड फिल्म निर्देशक थेरॉक्स भी शामिल है निर्देशक डेविड लिच द्वारा लिखित डेविड लिच द्वारा निर्मित मैरी स्वी स्वीनी एलन सरदे नील एडल स्टीन माइकल पोलेयर टॉनी क्रटज अभिनित जस्टिन थेरॉक्स ना वत्स लोरा एलेना हेरिंग्स एन मिलर रॉबर्ट फोस्टर, छायाकान पीटर ड्रेमिंग द्वारा संपादित मेरी स्वीनी संगीत दिया ए एजेलो मेटी उत्पादन कंपनियां लेस फिल्म्स एलन सरदे एममती प्रोडक्ट्स बब्बो इक ले स्टूडियो के नाल फिक्चर्स फैक्ट्री द्वारा वितरित यूनिवर्सल फिक्चर्स संयुक्त राज्य अमेरिका बीएससी फिल्म फ्रांस रिलीज करने की तारीख 16 मई 2001 हज़ार 12 क्रांस अक्टूबर 2001 अमेरिका 21 नवंबर 2001 फ्रांस कार्यकारी समय 146 मिनट देशों संयुक्त राज्य फ्रांस भाषा अंग्रेजी बजट पंद्रह मिलियन बॉक्स ऑफिस बीस पॉइंट एक मिलियन अमरीकी फ्रांसी सह उत्पादन की कल्पना मूल रूप से एक टेलीविजन पार्लट के रूप में की गई थी और फिल्म का एक बड़ा हिस्सा 1999 में, में लिच की योजना के साथ शूट किया गया था ताकि उसे संभावित श्रृंखला के लिए खुला रखा जा सके लिच के कट को खोद देखने के बाद हालांकि टेलीविजन अधिकारियों ने इसे अस्वीकार कर दिया लिच ने तब परियोजना को एक अंत प्रदान किया जिससे यह एक फीचर फिल्म बन गई अर्थ पार्लेट अर्ध सुविधा परिणाम लिच की विशिष्ट यथार्थवादी शैली के साथ फिल्म की घटनाओं के सामान्य अर्थ को व्याख्या के लिए खुला छोड़ दिया है लिच ने कथा के लिए अपने इरादों का स्पष्टीकरण देने से इनकार कर दिया है दर्शकों आलोचकों और कलाकारों के सदस्यों को यह अनुमान लगाने के लिए छोड़ दिया है कि क्या होता है उन्होंने फिल्म को सपनों के शहर में एक प्रेम कहानी टैग लाइन दी एक मनोवैज्ञानिक के रूप में वर्गीकृत मुह लेड ड्राइव ने 2001 के कान फिल्म समारोह में लिच को फ्रीकस डे लामाई से एन सीन सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार अर्जित किया जो द मैन देयर के लिए जो अलकोअन के साथ पुरस्कार साझा किया लिच ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकन भी अर्जित किया फिल्म की ने हॉलीवुड प्रोफाइल को काफी बढ़ावा दिया और अनुभवी हॉलीवुड अभिनेत्री एन मिलर को अभिनीत करने वाली आखिरी फीचर फिल्म थी मू होल लेड ड्राइव को अक्सर लिच के बेहतरीन कार्यों में से एक माना जाता है इसे 2012 के साइट एंड साउंड क्रिस्टिक के अब तक की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों के सर्वश्रेष्ठ क्षण में 28वें स्थान पर रखा गया था और 2000 के बाद से सर्वश्रेष्ठ फिल्मों के 2016 के बीबीसी सर्वेक्षण में सबसे ऊपर था हॉलीवुड हिल्स में एक घुमादार सड़क मुहोड़ले ले ड्राइव पर एक कार दुर्घटना में एक काले बालों वाली महिला एकमात्र जीवित बची है आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज मैं आपको मू होल्ड ले ड्राइव मूवी के बारे में बताती हूँ मू होड ले ड्राइव मू होल्ड ले डॉक्टर के रूप में सैली व्रत दो तो की एक अति अति यथार्थवादी नव नोयर रहस्यमय फिल्म है जिसे डेविड लिच द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और इसमें ना ओमी वार्ट लोरा हेरिंग जस्टिन थेराक्स, ए एन मिलर मार्क्स पेले ग्रीनो और रॉबर्ट्स फोस्टर ने अभिनय किया है यह है बिट्टी एल्म्स वार्ट, वार्टस नाम की एक महत्वाकांक्षी अभिनेत्री की कहानी बताती है। जो हॉल ही में लॉस एंजियस में आई थी जो एक कार दुर्घटना से उबरने वाली एक भूलने वाली महिला हेरिंग से मिलती है और इससे उससे दोस्ती करती कहानी कई अन्य लघु चित्रों का अनुसरण करती हैं और पात्र जिनमें एक हॉलीवुड फिल्म निर्देशक थे रॉक्स भी शामिल है निर्देशक डेविड लिच द्वारा लिखित डेविड लिच द्वारा निर्मित मैरी स्वी स्वीनी एलन सरदे नील एडल स्टीन माइकल पोलेयर टॉनी क्रटज अभिनित जस्टिन थेराक्स ना ओमेवत्स लोरा एलेना हैरिंग्स एन मिलर राबर्ट फोस्टर छायांकन पीटर ड्रेमिंग द्वारा संपादित मेरी स्वीनी है दया एजेलो मेटी उत्पादन कंपनियां लेस फिल्म्स, एलन एस असहमति प्रोडक्ट्स बब्बो एक ले स्टूडियो के नाल फिक्चर्स फैक्ट्री द्वारा वितरित यूनिवर्सल पिक्चर्स संयुक्त राज्य अमेरिका बीएससी फिल्म फ्रांस रिलीज करने की तारीख 16 मई 2001 हजार 12 क्रांस अक्टूबर 2001 अमेरिका 21 नवंबर 2001 फ्रांस कार्यकारी समय 146 मिनट देशों संयुक्त राज्य फ्रांस भाषा अंग्रेजी बजट पंद्रह मिलियन बॉक्स ऑफिस बीस पॉइंट एक मिलियन अमरीकी फ्रांसीस सह उत्पादन की कल्पना मूल रूप से एक टेलीविजन पार्लट के रूप में की गई थी और फिल्म का एक बड़ा हिस्सा 1999 में, में लिच की योजना के साथ शूट किया गया था ताकि उसे संभावित श्रृंखला के लिए खुला रखा जा सके लिच के कट को खोद देखने के बाद हालांकि टेलीविजन अधिकारियों ने इसे अस्वीकार कर दिया लिच ने तब परियोजना को एक अंत प्रदान किया जिससे यह एक फीचर फिल्म बन गई अर्थ पार्लेट अर्ध सुविधा परिणाम लिच की विशिष्ट अत्ययथार्थवादी शैली के साथ फिल्म की घटनाओं के सामान्य अर्थ को व्याख्या के लिए खुला छोड़ दिया है लिच ने कथा के लिए अपने इरादों का स्पष्टीकरण देने से इनकार कर दिया है दर्शकों आलोचकों और कलाकारों के सदस्यों को यह अनुमान लगाने के लिए छोड़ दिया है कि क्या होता है उन्होंने फिल्म को सपनों के शहर में एक प्रेम कहानी टैग लाइन दी एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर के रूप में वर्गीकृत मुहू ड्राइव ने 2001 के कान फिल्म समारोह में लिच को डे लामाई से एन सीन सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार अर्जित किया जो द मैन हुक वाज नाट नाट देयर के लिए जो अलकोअन के साथ पुरस्कार साझा किया लिच ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकन भी अर्जित किया फिल्म की, की हॉलीवुड प्रोफाइल को काफी बढ़ावा दिया और अनुभवी हॉलीवुड अभिनेत्री एन मिलर को अभिनीत करने वाली आखिरी फीचर फिल्म थी मुड ड्राइव को अक्सर लिच के बेहतरीन कार्यों में से एक माना जाता है इसे 2012 के साइट एंड साउंड क्रिस्टिक अब तक की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों के सर्वश्रेष्ठ क्षण में इस स्थान पर रखा गया था और 2000 के बाद से सर्वश्रेष्ठ फिल्मों के 2016 के बीबीसी सर्वेक्षण में सबसे ऊपर था हॉलीवुड हिल्स में एक घुमादार सड़क मुहोल्ड ड्राइव पर एक कार दुर्घटना में एक काले बालों वाली महिला एकमात्र जीवित बची है आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज मैं आपको मू होल्ड लेट ड्राईव मूवी के बारे में बताती हूँ मू ले ड्राइव मू होड ले डॉक्टर के रूप में शैली व्रत दो तो हजार एक की एक अति अत्ती, अतीय यथार्थवादी नव नोयर रहस्यमय फिल्म है जिसे डेविड लिच द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और इसमें न ओमी वाट्स, लोरा हेरिंग जस्टिन थेराक्स ए, एन मिलर, मार्क्स पेली ग्रीनो और रॉबर्ट फोस्टर ने अभिनय किया है यह बिट्टी एल्म्स एल्स वार्ट, नाम की एक महत्वाकांक्षी अभिनेत्री की कहानी बताती है जो हाल ही में लॉस एंजियस में आई थी जो एक कार दुर्घटना से उबरने वाली एक भूलने वाली महिला हेरिंग से मिलती हैं और इससे उससे दोस्ती करती कहानी कई अन्य लघु चित्रों का अनुसरण करती हैं और पात्र जिनमें एक हॉलीवुड फिल्म निर्देशक थे रॉक्स भी शामिल है निर्देशक डेविड लिच द्वारा लिखित डेविड लिच द्वारा निर्मित मैरी स्वी स्वीनी एलन सरदे नील एडलस्टीन माइकल पोलेयर टॉनी क्रटज अभिनत जस्टिन थेराक्स ना ओमेवस लोरा एलेना हेरिंग्स मिलर, रॉबर्ट फोस्टर छायाकान पीटर ड्रेमिंग द्वारा संपादित मेरी स्वीनी संगीत दिया ए एजेलो बादल मेटी उत्पादन कंपनियां लेस फिल्म्स एलन सरौदे एसएममती प्रोडक्ट्स बब्बो एक ले स्टूडियो के नाल फिक्चर्स फैक्ट्री द्वारा वितरित यूनिवर्सल फिक्चर्स संयुक्त राज्य अमेरिका बीएससी फिल्म फ्रांस रिलीज करने की तारीख 16 मई 2001 हज़ार क्रांस बारह अक्टूबर दो हजार एक अमरीका इक्कीस नवंबर दो हज़ार एक फ्रांस कार्यकारी समय एक सौ छियालीस मिनट देशों संयुक्त राज्य फ्रांस भाषा अंग्रेजी बजट पंद्रह मिलियन बॉक्स ऑफिस बीस पॉइंट एक मिलियन अमरीकी फ्रांसी सह उत्पादन की कल्पना मूल रूप से एक टेलीविजन पार्लेट के रूप में की गई थी और फिल्म का एक बड़ा हिस्सा 1999 में, में लिच की योजना के साथ शूट किया गया था ताकि उसे संभावित श्रृंखला के लिए खुला रखा जा सके लिच के कट को खोद देखने के बाद हालांकि टेलीविजन अधिकारियों ने इसे अस्वीकार कर दिया लिच ने तब परियोजना को एक अंत प्रदान किया जिससे यह एक फीचर फिल्म बन गई अर्थ पार्लेट अर्ध सुविधा परिणाम लिच की विशिष्ट अत्य यथार्थवादी शैली के बा साथ फिल्म की घटनाओं के सामान्य अर्थ को व्याख्या के लिए खुला छोड़ दिया है लिच ने कथा के लिए अपने इरादों का स्पष्टीकरण देने से इनकार कर दिया है दर्शकों आलोचकों और कलाकारों के सदस्यों को यह अनुमान लगाने के लिए छोड़ दिया है कि क्या होता है उन्होंने फिल्म को सपनों के शहर में एक प्रेम कहानी टैग लाइन दी एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर के रूप में वर्गीकृत लेड ड्राइव ने 2001 के कान फिल्म समारोह में लिच को फ्रीकस डे लामाई से एन सीन सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार अर्जित किया जो द मैन हुक वाज नॉट नॉट देयर के लिए जो अलकोअन के साथ पुरस्कार साझा किया लिच ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकन भी अर्जित किया फिल्म ने वर्ष की हॉलीवुड प्रोफाइल को काफी बढ़ावा दिया और अनुभवी हॉलीवुड अभिनेत्री एन मिलर को अभिनित करने वाली आखिरी फीचर फिल्म थी मू होल लेड ड्राइव को अक्सर लिच के बेहतरीन कार्यों में से एक माना जाता है इसे 2012 के साइट एंड साउंड क्रिस्टिक के अब तक की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों के सर्वश्रेष्ठ क्षण में अट्ठाईसवें स्थान पर रखा गया था और 2000 के बाद से सर्वश्रेष्ठ फिल्मों के 2016 के बीबीसी में सबसे ऊपर था। हॉलीवुड हिल्स में एक घुमादार सड़क मुंह ले ड्राइव पर एक कार दुर्घटना में एक काले बालों वाली महिला एकमात्र जीवित बची हैं आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद